बिना ये हुए उधर केला खेती तो हम लोग जो लीज पर कर रहे थे, मतलब जो 2-4 बीघा कर रहे थे, ऐसा समस्या आ गया है जो कि मतलब पान कतरा जो है मतलब लाल हो करके जो गल जाते हैं जा। लास्ट में जो हम लोग क्या करेंगे, मतलब लीज देने के लायक नहीं बने हैं, उसके बाद जो हम लोग खेती छोड़ दिए हैं, क्या करेंगे, मतलब किसी तरह जो गुजरा कर रहे हैं। क्या लगता है केला में भी कोरोना हो गया है? अब सर हम नहीं बता सकते हैं केला में कोरोना आ गए क्या आ गए, हमको भी पता नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। टेटन शर्मा, केला पर क्या कोरोना इफेक्ट हुआ है? केला पे कोरोना इफेक्ट ये है कि मार्केट में तो ये बिक नहीं रहा, और बिक भी रहा था एकदम मतलब कम से कम भाव में, जो कि हम लोग को पोसा नहीं रहा है। ऊपर से इस कोरोना में देख रहे हैं कि मैच्योरिटी पूरा होने से पहले ही गाछ में बीमारी आ जा रहा है, पीला होके गाछ गिर जाता है, कीड़ा जो है पूरा बॉडी में उसका धर में प्रवेश करके गाछ को गिरा देता है, भारी नुकसान है। पहले तो हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होता था, लेकिन अब जो है किसान सबको नुकसान होने के कारण घटते घटते बहुत कम हो गया, और ये स्थिति अगर रहा तो लग रहा है कि हम लोग के यहाँ से केला का समाप्त हो जाएगा, कोई खेती नहीं करेगा। और हम लोग कोशिश भी करते हैं, सरकार की तरफ से कोई वैसा आदमी नहीं आते हैं सुझाव देने के लिए, हम लोग दुकानदार से इसका दवाई वगैरह मांगते हैं, लेते तो हैं लेकिन सही रूप से रुकता नहीं है, और पैसा भी खर्च हो जाता है और काम भी नहीं होता। क्या लगता है कोरोना से जुड़ा हुआ कोई बीमारी है केला में सर? हम तो इस बात को नहीं बता सकेंगे कि कोरोना से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीमारी जो है 2-3 मंथ से बढ़ा हुआ है। अब इसको अब जो सोच लीजिए, कोरोना से हो या नहीं हो। कितना इलाका में करते थे खेती आप कितना है? पहले तो हम करते थे 5-6 एकड़, अब जो है 2-2.5 एकड़ करते हैं, और प्रत्येक साल चेंज करते रहते हैं। इस साल 2 एकड़ लगाए तो इसको ख़त्म हुआ, तो फिर 2 एकड़ अगले नेक्स्ट ईयर लगाते हैं। इस इलाके में बड़ा पैमाने पर होता है केला? बहुत बड़ा पैमाने पर होता था, लेकिन अब परसेंटेज घट गया, पहले अब 70% खत्म हो गया, 30% ही खेती होता है केला। क्या करेगा इसमें खेती? मेरा नाम सबसे बड़ा बात है, मेरा नाम है राहुल कुमार भगत। सर, TRS-4 से बचने के स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास?
केला में जो पनावा बीमारी है उसके जो प्रबंधन के तरीके हैं वो किसानों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई है जिसको बायोटेक किसान हब कहते हैं, और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परियोजना है, और इसमें कटिहार भी एक जिला चिन्हित किया गया है। और यहाँ केला में पनावा बीट लगने से बचाने के लिए हम लोग जो है डिमोस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं जिससे कि किसान जो है इस बीमारी से अपने केले को बचा सके। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, मैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार में कृषि वैज्ञानिक के पद